ये आर्टिकल आपका बहुत पुराना है, पहले छूट गया था आपका। ये 8 जून को आपको पता होगा कि विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पुराना है या नहीं। आपका जो आंसर राइटिंग या फिर क्वेश्चंस बनेगा अभी भी बनेगा, ज़्यादा पुराना थोड़ी है। ठीक है, तो आप तो आंसर राइटिंग देखनी है ना आपको कि किस तरह से बनेगा। तो देखेंगे हम लोग कि इसका एक सामान्य परिचय भी देख लेंगे और महासागर का आखिर महत्व क्या होता है, चुनौतियां क्या है इसमें, और भारत के संदर्भ में भी इस पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि एक महासागर ऐसा है जिसका नाम हमारे भारत पर के नाम पर ही रखा गया है, हिंद महासागर। सुझाव क्या हो सकते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे, इसमें आगे की राय क्या हो सकती है उसे भी देखेंगे। जैसा कि आप सभी को बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेज ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस के अवसर पर ध्यान दिलाया है कि प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से महासागरों की रक्षा करने के लिए अभिनव समाधान तलाश करने होंगे। और अभी आपने ही आज ही आर्टिकल देखा है कि अंटार्कटिका पर भी आपने देखा है कि प्रदूषण फैल चुका है, प्लास्टिक पहुंच चुका है, तो ये चिंता का विषय ये भी बन चुका है। विश्व महासागर दिवस की अगर 2020 की थीम की बात करें, ये आपका पूछ लेगा कई एग्जामों में, तो ये है आपकी एक सतत महासागर के लिए नवाचार, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। एक बार मैप्स में देख लीजिए सबको, देखिए हिंद महासागर ये हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद ये आपका दक्षिणी अंध महासागर हो गया, ऊपर आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर हो गया, ये आपका आर्कटिक महासागर है, उसके बाद ये दक्षिणी प्रशांत महासागर हो गया और ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर हो गया, ये आपके प्रमुख हैं। ये आपका नीचे अंटार्कटिका हो गया, यहाँ की बात की जा रही थी, यहाँ भी आपका प्लास्टिक पहुंच चुका है। स्थिति तो वैसे भी खराब चल रही थी, प्लास्टिक पहुंचने से और भी चिंता का विषय बन चुका है। तो यही आपके हिंद महासागर हो गया और बाकी आपके अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, यही आपके महासागर हैं। महासागरों का पृथ्वी की सतह के 3/4 हिस्से तक विस्तार है और पृथ्वी का उपलब्ध जो कुल जल है इसमें से 97% आपका महासागरों में ही समाया हुआ है, यानी कि 97% जो जल है इन्हीं जगहों पर स्थित है इन्हीं में। गौरतलब है कि पृथ्वी के फेफड़ों की तरह काम करते हुए महासागर कार्बन डाइऑक्साइड जो आप लोग छोड़ते हैं ना CO2, इसे भी सोखते हैं, जिससे वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करने में मदद भी मिलती है। विश्व महासागर दिवस महासागरों के प्रति सम्मान देने, उनके महत्व को जानने और उनके संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। इसे मनाने का एक ही उद्देश्य है कि इसके प्रति आप जागरूक हों, इसका सम्मान करें, इसके महत्व को भी जानें और इनका संरक्षण करें। कनाडा सरकार ने 1992 में रियो डी जेनेरो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान विश्व महासागर दिवस की स्थापना का प्रस्ताव रखा था 1992 में। इसके बाद 8 जून 2009 से प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस मनाया जा रहा है आपका, कब, 2009 से, जून से 8 जून, जिसका उद्देश्य महासागरों के महत्व और इनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना और साथ ही महासागरों से जुड़े विशेष पहलुओं जैसे आपका जैव विविधता हो गया, खाद्य सुरक्षा हो गई, पारिस्थितिकी संतुलन, जन संसाधनों का बेहिसाब उपयोग आदि को भी समुदाय के बीच उजागर करना इसका मेन उद्देश्य है। हर साल इन दिनों को मनाए जाने के पीछे मकसद महासागरों के महत्व से लोगों को अवगत कराना है, यानी कैसे हर साल मनाने का उद्देश्य इतना ही है कि लोग इससे परिचित हों। कैसे महासागर खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, परिस्थिति संतुलन जैसी चीजों में हम अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। देश के विकास के साथ ही महासागरों के दूषित होने की गति भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। वैश्विक महामारी COVID-19 के बाद पुनर्निर्माण प्रक्रिया एक पीढ़ी में मिलने वाला एक ऐसा अवसर है जिसकी मदद से दुनिया प्रकृति के साथ अपने संबंध को फिर से सही मायनों में स्थापित कर सकता है। गौरतलब है कि महासागरों की रक्षा के लक्ष्य से संयुक्त राष्ट्र ने टिकाऊ विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक 2021 से 2030 तक की घोषणा की है। यह आपके डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषणा की थी 2021 से 2030 तक।
इस पहल का उद्देश्य महासागरों के बिगड़ते स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और उनके टिकाऊ विकास के लिए परिस्थितियों का निर्माण करने में देशों को सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया गया था। इसमें आखिर महासागरों का महत्व क्या है हमारे लिए? सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होने के कारण महासागर अत्यंत उपयोगी रहे। ये आज से नहीं है, आपके प्राचीन काल से ही आपने देखा होगा हमारे देश में प्राचीन काल से ही हमारे लिए ये सभी महत्वपूर्ण रहे हैं। पृथ्वी के विशाल क्षेत्र में फैले अथाह जल का भंडार होने के साथ ही महासागर अपने अंदर व आसपास अनेक छोटे छोटे नाजुक पारितंत्रों को बना देते हैं, जिसे उन स्थानों पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु व वनस्पतियां पनपती हैं। महासागरों में प्रवाल भीति क्षेत्र ऐसे ही एक पारितंत्र का उदाहरण है, जो असीम जैव विविधता का प्रतीक भी बने हुए हैं। तटीय क्षेत्रों में स्थित मैंगो जैसी वनस्पतियों में से संपन्न वन समुद्री के अनेक जीवों के लिए नर्सरी बनकर विभिन्न जीवों का आश्रय भी प्रदान करते हैं। अपने आरंभिक काल से आज तक महासागर जीवन के विविध रूपों को सजोए हुए हैं। महासागर पृथ्वी के सबसे विशाल काय जीव व्हेल से लेकर सूक्ष्म जीव को रहने के लिए ठिकाना भी देते हैं। एक अनुमान के अनुसार समुद्रों में जीवों की करीबन 10 लाख प्रजातियां हमें मौजूद, यानी कि 10 लाख के करीब आपकी प्रजातियां यहाँ देखने को मिलती हैं। आपकी पृथ्वी की समस्त ऊष्मा में जल की ऊष्मा का भी विशेष महत्व है। जल से जो आपकी ऊष्मा यानी कि बिजली उत्पन्न करने का भी विशेष महत्व है। अधिक से विशिष्ट ऊष्मा के कारण दिन में सूर्य की ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग समुद्री जल में समाहित हो जाता है। इस प्रकार अधिक विशिष्ट ऊष्माधारिता से महासागर ऊष्मा का भंडारक बन जाते हैं, जिससे विश्व भर में मौसम संतुलित बना रहता है, या फिर कहें कि पृथ्वी पर जीवन के लिए औसत तापमान बना रहता है। मौसम संतुलन में समुद्री जल की लवणता का भी विशेष महत्व है। समुद्री जल के खारेपन और पृथ्वी की जलवायु में बदलाव की घटनाएं आपस में अंतः संबंधित होती है। यहीं से तो आपका नमक जो है वो देखने को मिलता है, और यहाँ जो भी आपके देखा होगा तूफान आते हैं और ज्वारीय तरंगें आती हैं, उनसे विद्युत बनाने की बात भी की जाती रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम जानते हैं कि ठंडा जल गर्म जल की तुलना में अधिक घनत्व वाला होता है। इसके अलावा महासागरों में किसी स्थान पर सूर्य के ताप के कारण जल के वाष्पित होने से उस क्षेत्र के जल के तापमान में परिवर्तन होने के साथ वहाँ के समुद्री जल की लवणता और आसपास के क्षेत्र की लवणता में अंतर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण गर्म जल की धाराएं ठंडी क्षेत्रों की ओर बहती हैं और ठंडा जल उष्ण और कम उष्ण प्रदेशों में बहने लगता है। महासागर धरती के मौसम को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक हैं। महासागरीय जल की लवणता और विशिष्ट ऊष्माधारिता का गुण पृथ्वी के मौसम को भी प्रभावित करता है। आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की मदद से महासागरों से पेट्रोलियम सहित अनेक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को भी निकाला जा रहा है अभी। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के सहित अनेक मौसमी परिघटनाओं को समझने के लिए समुद्रों का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में आखिर चुनौतियां क्या क्या समस्याएं क्या उत्पन्न होती हैं? अगर चुनौती यानी कि समस्याओं की हम लोग बात करें तो महासागरों में बढ़ता प्रदूषण एक चिंता का विषय बना हुआ है। अभी अरबों टन प्लास्टिक का कचरा हर साल महासागरों में समा जाता है। आपने देखा होगा कि आपके यहाँ से जो भी नदियां निकलती हैं, ये जो भी प्लास्टिक कचरा ले जाती है, ये उन्हीं जाकर आखिर समुद्रों में ही मिल जाता है। आसानी से विघटित नहीं होने के कारण यह कचरा महासागर में जस का तस बना रहता है। अकेले हिंद महासागर में भारतीय उपमहाद्वीप से पहुंचने वाली भारी धातुओं और लवणीय प्रदूषण की मात्रा प्रतिवर्ष करोड़ों टन है। कितनी? करोड़ों टन। विषैले रसायनों के रोजाना मिलने से समुद्री जीव विविधता में भी प्रभावित होती है। इन विषैले रसायनों के कारण समुद्री वनस्पति की वृद्धि पर भी बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। वर्तमान में मानवीय गतिविधियों का असर समुद्रों पर भी देखने को मिलने लगा है। समुद्र में ऑक्सीजन का स्तर लगातार घटता जा रहा है और तटीय क्षेत्रों में समुद्री जल में भारी मात्रा में प्रदूषणकारी तत्वों के मिलने से जीवन संकट में भी दिख रहा है। तेलवाहक जहाजों से तेल के रिसाव के कारण समुद्री जल की मटमैला होने पर उसमें सूर्य का विकास गहराई तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे वहां जीवन को पनपने में परेशानी होती है और उन स्थानों पर जैव विविधता भी प्रभावित हो रही है। महासागरों के तटीय क्षेत्रों में भी दिनों दिन प्रदूषण का बढ़ता स्तर चिंताजनक बना हुआ है। महासागरों में अम्ल की मात्रा भी बढ़ रही है।
इसे समुद्री जो जैव विविधता है और जीवन के लिए बेहद आवश्यक भोजन श्रृंखलाएं यानी कि फूड चेन्स के लिए जोखिम भी और ज्यादा गहराता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है। निचले तटीय इलाकों वाले देशों में शहरों व समुदायों में लोगों की जिंदगियां और आजीविका पर खतरा भी मंडरा रहा है। समुद्री जैव विविधता के नुकसान के लिए आमतौर पर पारंपरिक मछुआरों को दोषी ठहराया जाता है, जबकि मानव द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप जैसे बंदरगाहों का निर्माण, रेत का खनन, पानी का रोक मोड़ने वाला निर्माण कार्य और समुद्र के अंदर की जाने वाली गतिविधियों का असर अधिक पड़ता है। अगर हम लोग भारत के संदर्भ में इसे देखें तो भारत को उसके महासागरों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। भारत रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके अपने अधिकांश समुद्री आंकड़ों को एकत्रित करता है, जिसके जरिए केवल ऊपरी परतों की जानकारी मिलती है भारत को। पृथ्वी विज्ञान केंद्र मंत्रालय लगभग 2 दशक से तटीय जल की प्रकृति का मूल्यांकन करने के लिए एक कार्यक्रम भी चला रहा है, लेकिन यह आंकड़े 20 स्थानों और 25 मापदंडों तक ही सीमित हुए। इसके अलावा कुछ जरूरी मानदंड जैसे समुद्री अम्लीकरण, समुद्री कचरा और सूक्ष्म प्लास्टिक के आंकड़ों का कोई विश्लेषण है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि देश का वर्तमान रूप केवल बंदरगाहों के विकास को ही बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ने सतत विकास लक्ष्य यानी कि जो आपके सतत विकास लक्ष्य हैं 17, इन्हें भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि आंसर राइटिंग में भी डालने के लिए कई जगह उपयोग हो सकते हैं, उपयोगी, और आपके प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चंस बनते रहते हैं आपके, तो आप 17 को ही याद रख लें। इसमें आपका SDG 14 के तहत सभी लक्ष्यों को पूरा करने का वादा किया गया है, जो महासागरों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और इसके दीर्घकालिक उपयोगों पर जोर देता है। जिस तरह से भारत SDG 14 हासिल करने की कोशिश कर रहा है वह पूरी तरह से दोषपूर्ण SDG 14 पर नीति आयोग संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों को लागू करने के लिए जिम्मेदार भी है। आयोग की रिपोर्ट बताती है कि नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्टिव इकोसिस्टम और सागरमाला प्रोजेक्ट के द्वारा SDG 14 को हासिल किया जाएगा, लेकिन यह नेशनल प्लान झीलों और दलदली जमीन के संरक्षण के बारे में है, ना कि समुद्र के। इसी तरह सागरमाला प्रोजेक्ट बंदरगाहों की बढ़ावे की बात करता है। इसमें आप सुझाव अपने भी देख सकते हैं और इन्हें भी देख लीजिए। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग करने के बजाय सबसे अच्छा तरीका है कि कपड़े के थैले का प्रयोग करें। इससे ये होगा कि ये कपड़े के थैले गलकर नष्ट हो जाएंगे, और आप देखते हैं कि प्लास्टिक ना तो नष्ट होता है ना ही खत्म होता है। साथ ही समुद्र तटों की सफाई में स्थानीय संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इसीलिए स्थानीय सरकार को तटों की सफाई से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए। छोटे पैमाने पर कुशल मछुआरों को समुद्री संसाधनों के उपयोग और बाजारों की पहुंच को आसान बनाए जाने की आवश्यकता है। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का कार्यान्वयन करके महासागरों, उनके संसाधनों के संरक्षण और दीर्घकालिक उपयोग को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। वैश्विक देशों को मत्स्य पालन सब्सिडी के कुछ विकारों को खत्म करने की आवश्यकता है। साथ ही अधिक मात्रा में मछली पकड़ने में योगदान देने वाले गैर कानूनी तरीकों को रोकने की आवश्यकता है। इसमें आगे की राय क्या हो सकती है? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति महासागरों में ही हुई है, और आज भी महासागर जीवन के लिए हमारे लिए आवश्यक परिस्थितियों को बनाए रखने में सहायक है। इसलिए महासागरीय परितंत्र में थोड़ा सा परिवर्तन पृथ्वी के समूचे तंत्र को अव्यवस्थित करने की सामर्थ्य रखता है। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाले पारितंत्र में महासागरों की उपयोगिता को देखते हुए यह आवश्यक है कि हम महासागरीय पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखें, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। वैश्विक महामारी COVID-19 के बाद पुनर्निर्माण प्रक्रिया एक पीढ़ी में मिलने वाला एक ऐसा अवसर है जिसकी मदद से दुनिया प्रकृति के साथ अपने संबंध को फिर से सही मायनों में स्थापित कर सके। तो ये कहानी है आपकी महासागरों की, समझ में आए महासागरों की।